पूर्व नगर सेवक व समाज सेवक के रूप में जिसे जाना जाता है, हाजी नुमान खान के निवास साधन पर विशेष तौर पर गरीब मजदूरों को अनाज वितरण किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है, ऐसे में भिवंडी शहर मजदूरों का शहर कहलाता है। इस शहर में मजदूरों की संख्या 80% बताई जाती है। ऐसे में लॉकडाउन लगने के बाद सभी खान पीन के जो दुकान थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसको लेकर मजदूर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जो है भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पूर्व नगर सेवक हाजी नुमान खान और उनके सुपुत्र, जिन्हें समाज सेवक के रूप में जाना जाता है, हासिफ नुमान खान, इन्होंने और लगभग सैकड़ों की संख्या में गरीब मजदूरों को अनाज वितरण के कार्यक्रम कर उन्हें अनाज वितरण किया। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार लगी है, मजदूर तदबे के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में दिखाई दिए। ऐसे में जब मजदूरों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर जानकारी दी कि आज पूरा भिवंडी बंद है, जिसके कारण उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा था, खाने पीने की काफ़ी समस्या थी। तो वहीं पर समाज सेवक व पूर्व नगर सेवक हाजी नुमान खान ने जनता से अपील की कि घर से ना निकले, घरों में रहें, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये हमारे मशहूर नगर सेवक आसिम नुमान खान की तरफ से मिला है, बहुत ही जाने माने और बहुत अच्छे है। इस सीज़न में सब तरफ भुखमरी है, मंदी संदी है, कहीं कुछ मिल रहा नहीं है, तो हम इसका बहुत शुक्रगुजार करते हैं और हम इसके आभारी है। किसने दिया आपको ये? ये नुमान शेख ने दिया। नुमान शेख ने, क्या करते हो आप इसके? यहाँ काम करते हैं। इसी बंद है, होटल बंद है, हम लोग गरीब आदमी परेशान है, किसी भी तरह का साधन नहीं है। शेख ने दिया, ये बहुत बड़ा उनका शुक्रगुजार है। हम लोग नुमान शेख में चलाते हैं गुप्ता कंपाउंड में। हम लोग के पास खाने के लिए नहीं है, सेठ का बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि हम लोग के खाने के लिए राशन पति दिया है और बोला है घटेगा तो और चाहिएगा, कोई टेंशन मत लो। हम लोग बीवी बाल बच्चा लेकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मिसेस इस वार्ड की कॉरपोरेटर है, तो इसके लिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वार्ड के जो ज़रूरतमंद हैं उनके वहाँ उनकी ज़रूरत की चीज़ें अपने वार्ड में मुहैया करवाऊँ। और मैं अपने वार्ड के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, स्टे होम, बी सेफ। हमारे प्रधानमंत्री ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है उसका पालन करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देंगे आज जो आपने कच्चा अनाज जो गरीबों को वितरण किया, कितने लोगों को दिया गया और क्या कहेंगे जिस तरह से कोरोना वायरस का संकट पूरे देश में मंडरा रहा है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मोहम्मद नुमान खान, सारिक नगर सेवक, गोभी तालाब भिवंडी। हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके लिए हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, उससे सबसे पहले मैं जनता से, पूरे मुल्क की जनता से अपील करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, और जो भी एहतियात बरतना, जो भी हमारे डॉक्टर या सांसददान या प्रधानमंत्री जी ने बताया है, अपने घरों में रहें और लोगों से दूर रहें, साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो भी तरकीब सब अपनाते रहें, इंशाल्लाह कोरोना वायरस इसी से दूर होगा, इसका हमको पालन करना होगा। हाजी साहब, और भिवंडी वासियों से, खास करके मैं भिवंडी वासियों से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर माहौल थोड़ा शांत रखें, क्योंकि यहाँ सब लोग बाहर निकल करके कहीं ना कहीं 10-10-20 आदमी का ग्रुप बना करके बैठे रहते हैं। उनसे मैं अपील करूँगा कि वो अगर कहीं, पहली बात तो बाहर न निकले, अगर बाहर निकल रहे हैं तो 4 आदमी अच्छा आदमी हो तो 1-1.5 मीटर की दूरी बना के बैठें, और लोगों को भी समझाएं कि दूर रहें और हमेशा अपने हाथ को धुलते रहें और हर चीज़ का ख्याल रखें। और भिवंडी शहर जो मजदूरों का शहर है, ये हमेशा कहा गया है पॉलूम इंडस्ट्री है, आज सब बंद पड़ी है, 80% यहाँ मजदूर है, तो सभी सेठ लोगों से या और जो भी इस साहब हैसियत है उनसे मैं अपील करूँगा कि ये लोग हर मजदूर लोगों का, गरीब लोगों का ख्याल रखें अपने अपने मोहल्ले में। और आज मैं अपनी तरफ से यहाँ पर 300 पैकेट में बनाया था, 3 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, इस तरीके से मैंने एक कूपन बनाया था अपने नाम का, और मैं घरों घर जो गरीब हैं उनके घर पर ला करके कूपन को पहुंचाया, और आज मैं 300 लोगों को राशन सप्लाई किया हूं। तो सर, ये जो है कि कंटिन्यू चलने वाला है आज की फिर? इंशाल्लाह अगर राशन मिलता रहेगा तो हर 3 दिन के गैप के बाद मैं ये काम 300 पैकेट का, क्योंकि इसको लाना पड़ता है, फिर पैकेट बनाना पड़ता है, फिर कूपन बांटना पड़ता है, तो 3 दिन का गैप करके इंशाल्लाह मैं ये 21 दिन तक जो सरकार की तरफ से आदेश है मैं उसका पालन करूंगा और गरीबों का ख्याल करूंगा। जो 300 पैकेट में बनाया था तो 300 कूपन में बांट चुका था, तो अब अगर मैं और कूपन देता हूं तो अनाज कहां से दूंगा,
तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट किया हूँ, जिसको कूपन नहीं दिया हूँ, इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगा, कल सवेरे मैं अनाज के लिए अनाज लाऊँगा, तो कल शाम को या परसों सुबह में कूपन बांटूंगा, एक दिनार करके मैं जो राशन अनाज मिलेगा, अनाज मिलेगा इंशाल्लाह सबको मिलेगा, जो भी गरीब है सबको मिलेगा, और लोगों से भी यहाँ के सेठ लोगों से मेरी गुजारिश रहती है, वो लोग भी अपने अपने तौर पर इस काम को जारी रखें ताकि किसी गरीब को तकलीफ ना हो। ये महाबीमारी, कोरोना की महाबीमारी आई हुई है इस शहर में, इस पर हर आदमी एक दूसरे का ख्याल रखे, और इसी से अगर हर आदमी एक आदमी दूसरे का ख्याल रखेगा तो इंशाल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, और एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस भी ज़रूर यहाँ से जाएगा और हमारा देश महफूज रहेगा, तो हम सब महफूज रहेंगे। कोरोना वायरस से बचना हमको बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि एक एक हर आदमी एक दूसरे को समझा बुझा करके कि घर में रहें, एहतियात करें, साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो भी सरकार का आदेश है उसका पालन करें। मैं ही लोगों से अपील करूंगा। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।